प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से वंदे मातरम ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, साथ ही रेलवे स्टेशन के कायाकल्प वाली पुनर्विकास परियोजना का किया शिलान्यास। इस दौरान सीएम योगी भी रहे साथ। जिलाधिकारी बिजनौर व पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा कांवड़ यात्रा तथा वर्षा ऋतु के मद्देनजर बिजनौर उत्तराखंड बॉर्डर एवं कांवड़ यात्रा मार्गों का किया गया निरीक्षण, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सोहारा में थाना समाधान दिवस के अवसर पर धर्म सिंह माछाल अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा की गई जनसुनवाई के दौरान प्राप्त जन शिकायतों के समय विरत गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण हेतु किया गया निर्देशित। अमरोहा जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने गंगा धाम टीगरी के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र और गंगा के कटान सहित अन्य जगहों का मौके पर जाकर किया निरीक्षण। डीएम ने नाव में सवार होकर बाढ़ खंड के अधिकारियों के साथ लिया जायजा। धामपुर के प्रियंका मॉडर्न स्कूल में वन महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उज्जवल अधिकारी धामपुर मनोज कुमार सिंह द्वारा लगाए गए पौधे। इस अवसर पर 200 पौधों का प्रियंका स्कूल व आसपास में किया जाएगा रोपण। बिजनौर के हरिद्वार रोड पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े होल्डिंग पोल से जा टकराई। हादसे में कार सवार दो लोग घायल। टक्कर इतनी भयंकर थी कि होल्डिंग बोर्ड उखड़कर सड़क पर जा गिरा। सिहारा इलाके के पुरी नगर में रहने वाले दर्जनों लोग थाना समाधान दिवस में पहुंचे। ग्रामीणों ने तालाब पर हो रहे अवैध कब्जे को हटवाने और बरसात के मौसम में आबादी क्षेत्र में पानी भरने की समस्या से निजात दिलाने की मांग। बिजनौर सारथी हम संस्था द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 7वां रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। रक्तदान शिविर में पहुंचे रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रूप से 25 यूनिट किया रक्तदान। जलीलपुर हस्तनापुर के बीच बने गंगा नदी के पुल पर बार बार गंगा नदी से बह रही सड़क की अप्रोच। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा गंगा पुल पर सड़क का मिट्टी कटान को रोकने का किया गया प्रयास। बिजनौर के कोतवाली देहात इलाके में 8 महीने पहले हुई वन कर्मचारी की हत्या करने वाले दूसरे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि उसके एक साथी की तलाश में पुलिस की लगी हुई है टीमें। बिजनौर में लगातार 3 दिन से हुई झमाझम बारिश के बाद किसानों के खिले चेहरे, इसके साथ ही धान की रोपाई के काम में भी आई तेजी। रियण में मकान का निर्माण करा रहे एक युवक को लगा इन्वर्टर का करंट लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने किया उसे मृत घोषित। परिजनों में मचा कोहराम। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल।